वीडियो में हम आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में बताएंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई योजना है। ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए लागू की गई है। ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का एक डाटाबेस है जो आधार से जुड़ा है। पोर्टल पर पंजीकरण होने के बाद मजदूरों को कामगारों को एक ई श्रम कार्ड मिलता है। असंगठित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र के कामगारों के लाई गई इस योजना में उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा कवर, मातृत्व लाभ, पेंशन योजना, प्रोविडेंट फंड भी मिलते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का उन्हें लाभ भी मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि अब हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं। उनके काम करने की शर्तें और रोजगार के जो घंटे होते हैं, रोजगार की शर्तें और काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलता है, जैसे स्कूल और अस्पताल। वही असंगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ बहुत कम मिल पाता है। असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में मजदूर, रेहड़ी दुकान, छोटे दुकान वाले, साथ ही ठेले लगाने वाले, कृषि कर्मी आदि ऐसे लोग आते हैं। तो ये थी असंगठित क्षेत्र के बारे में। संगठित क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 48% है, वही असंगठित क्षेत्र का योगदान 52% है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।